सादर कोतवाली क्षेत्र के हाजीगंज मोहल्ले निवासी पूर्व चेयरमैन हाजी रईस अहदम के नगरकोटी मोहल्ला स्थित इत्र कारखाने में आज अचानक स्टीम वायलर फट गया। तेज आवाज के साथ हुए धमाके की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 घायलों की हालत नाजुक होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सादर कोतवाली क्षेत्र के हाजीगंज मोहल्ला निवासी पूर्व चेयरमैन का नगरकोटी मोहल्ले में इत्र का कारखाना है। मंगलवार की देर रात इत्र बनाने के समय स्टीम वायलर अचानक तेज आवाज के साथ फट गया। हादसे में हाजीगंज निवासी इस्माइल पुत्र गफूर मौत हो गई, जबकि अब्दुल रहमान पुत्र हाजी रईस, वासिम, रफीक, बुरहान व सुनील घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ हालत गंभीर होने पर अब्दुल रहमान, वसीम और रफीक को लखनऊ रेफर कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी राजकुमार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। Thank you.